धोनी द मेंटर के रंग में डूब गया टीम इंडिया का पहला प्रैक्टिस सेशन। माही मंत्र के पहले पाठ में सभी को बताया गया कंट्रोल में करना एग्रेशन। हर नंबर पर खेलने वाले बल्लेबाजों को मिला उनके रोल के मुताबिक लेसन। गेंदबाजों के फॉर्म के लिए टीम मैनेजमेंट को हो रही है थोड़ी टेंशन। त्रिदेव की तैयारी पूरी या अधूरी। त्रिदेव की तैयारी कितनी अधूरी कितनी पूरी। नमस्कार, रणयुद्ध में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा, स्टूडियो में सबा करीम हमारे साथ, और आज हम चर्चा महेंद्र सिंह धोनी बतौर मेंटोर जिस तरह से मैदान पर गए और जिस तरह से प्रैक्टिस सेशन में वो छा गए उसके बारे में बातचीत करेंगे। साथ ही भारतीय टीम के साथ कई ऐसी परेशानियां चल रही हैं जिसका पहले प्रैक्टिस सेशन में निदान निकालते नजर आए महेंद्र सिंह धोनी। तो क्या वो प्रैक्टिस सेशन था और किस तरह से इस प्रैक्टिस सेशन की तीन बड़ी कमजोरियों पर काम करते नजर आए महेंद्र सिंह धोनी, उससे जुड़ी पांच बड़ी बातें सबसे पहले आपको बता देते हैं। ये पांच बड़ी बातें हैं प्रैक्टिस सेशन को लेकर, जहां पर पहली बार कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और रवि शास्त्री के साथ विराट कोहली काम करते नजर आए, यानी भारतीय क्रिकेट के ये त्रिदेव पूरी तैयारी के साथ इस वर्ल्ड कप में उतरना चाहते हैं। उसका संकेत भी देखने को मिला जब खास तौर से महेंद्र सिंह धोनी ऋषभ पंत, ईशान किशन और साथ ही हार्दिक पांड्या के साथ बल्लेबाजी में मेहनत करते नजर आए। उसके अलावा गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार के साथ उन्होंने अलग से बातचीत की, एक अलग सेशन भी किया, और कुल मिलाकर ऐसा लगा कि कोच रवि शास्त्री और विराट कोहली पर अकेले भारी पड़ते नजर आ रहे हैं इस समय मेंटोर महेंद्र सिंह धोनी। अब महेंद्र सिंह धोनी यहाँ से भारतीय टीम को कैसे आगे लेके जाते हैं, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियाँ नजर आ रही हैं इस समय यूएई में, उसको देखकर तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं कि भारतीय टीम हॉट फेवरेट है इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए, लेकिन क्या वाकई तैयारी ऐसी नजर आ रही है, इस पर आगे बातचीत शुरू करें। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या कुछ प्रैक्टिस सेशन में देखने को मिला। तस्वीरें बार बार आपको इस बात की गवाही देंगी कि महेंद्र सिंह धोनी पहले प्रैक्टिस सेशन में किस तरह से छाए रहे। हमारी ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शुरू हो गई टीम इंडिया की तैयारी, शुरू हो गई पूरे हिसाब किताब के साथ टीम के कटजोड़ की कहानी। पहले प्रैक्टिस सेशन से जो पहली तस्वीर निकलकर सामने आई है वो अपने आप में पूरा गणित समझाने के लिए काफी है। तस्वीर में हेड कोच रवि शास्त्री हैं, बॉलिंग कोच भरत अरुण भी हैं, बैटिंग कोच विक्रम और फील्डिंग कोच श्रीधर के साथ साथ टीम के मेंटर बने महेंद्र सिंह धोनी भी नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर माही के एक्शन को जरा ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि माही इसी तरफ इशारा कर रहे हैं जो टीम के लिए सबसे बड़ी परेशानी है, यानी कि टीम की बल्लेबाजी। सपोर्ट स्टाफ के साथ मीटिंग खत्म हुई तो माही भाई कोहली को समझाने पहुंच गए, तस्वीरें भी आपके सामने। और पहले प्रैक्टिस सेशन से आई खबरों के मुताबिक धोनी ने नेट्स में सबसे ज्यादा समय हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत और ईशान किशन के साथ बिताया। लेकिन परेशानी की बात यह भी है कि हार्दिक ने नेट्स में भी गेंदबाजी नहीं की। आप समझ ही गए होंगे कि माही को क्यों टीम इंडिया का मेंटर बनाया गया है, क्यों उन पर टीम इंडिया ने इतना भरोसा जताया है। सबसे अहम बात यह है कि कुछ सवाल भी हैं जिनका जवाब सुपर 12 से पहले टीम इंडिया को ढूंढना होगा। स्टार ओपनर रोहित शर्मा भी फिलहाल फॉर्म में नहीं है, आईपीएल फेज 2 में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा। हार्दिक पांड्या के फिटनेस पर लगातार सवालिया निशान बने हुए हैं, पहले ना तो आईपीएल और अब ना ही पहले प्रैक्टिस सेशन में उन्हें गेंदबाजी करते देखा गया। आर अश्विन की 4 साल के बाद T20 में वापसी हुई है, लेकिन आईपीएल फेज 2 में उनका फॉर्म भी खराब रहा था। राहुल चाहर को भी खराब प्रदर्शन के बाद मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया था। ऐसे में बतौर स्पिनर रविंद्र जडेजा का साथ कौन देगा, इसका फैसला भी वार्म अप से लग जाएगा। तस्वीरें देखकर तो लग ही रहा है कि टीम मैनेजमेंट में माही पूरी शिद्दत के साथ टीम की परेशानियों का हल ढूंढने में लग चुके हैं। कोहली और कोच रवि के साथ माही की ये त्रिदेव जोड़ी अब वो 30 मार खां ढूंढ रही है जो भारत को एक बार फिर T20 की बादशाहत हासिल करा दे। राहुल कादियान, इंडिया न्यूज। तो प्रैक्टिस सेशन में जो पहली
तस्वीर नजर आई, वो महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली की एक साथ बातचीत करती थी और उसका पहला रिजल्ट भी आ गया है। पहले प्रैक्टिस मैच में विराट कोहली नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे, यानी कि जो खबरें लगातार निकल कर आ रही थी कि राहुल और रोहित शर्मा पारी की शुरुआत कर सकते हैं, वो कम से कम अब पूरी होती नजर आ रही है सभा भाई। और ये पहले प्रैक्टिस सेशन का असर है, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रवि शास्त्री समेत जो टीम मैनेजमेंट के लोग हैं, तस्वीरें एक बार मैं सोच रहा हूं कि आपको दिखा दे जरा वो तस्वीर, क्या ये तस्वीर कह रही है? क्योंकि अब विराट कोहली का ये अनाउंस करना प्रैक्टिस सेशन के दौरान कि वो नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे, तस्वीर काफी हद तक प्रैक्टिस सेशन से साफ हो गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पे, जहां पर आप देखें रवि शास्त्री हैं, महेंद्र सिंह धोनी हैं, भारत अरुण जो बॉलिंग कोच हैं, श्रीधर फील्डिंग कोच और बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर यहाँ पे हैं। मैं तब विराट कोहली यहाँ नहीं पहुँच पाए थे, लेकिन उसके बाद जब विराट पहुँचे तो पहला जो बड़ा फैसला आया वो यही आया कि यहाँ पर विराट कोहली के साथ ये देखिए बातचीत करते हुए ये तस्वीरें, और ये दर्शाता है कि महेंद्र सिंह धोनी ने उनको कन्विंस किया कि आप नंबर 3 पर बल्लेबाजी करें। सभा भाई बड़ा फैसला इसको देख रहे हैं, पर ये टीम का भी फैसला है राजीव, क्योंकि सबसे आइडियल पोजीशन विराट कोहली की भारतीय टीम में नंबर 3 पर रही है, क्योंकि तभी आप रोहित शर्मा और केएल राहुल के साथ ओपन कर सकते हैं और फायदा होगा भारतीय टीम को। अगर आप एमएस धोनी को टीम मैनेजमेंट में लेकर आए हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनको फ्री हैंड दें, क्योंकि उनके पास अनुभव है, उनका स्टेटस उतना ज्यादा बड़ा है, और ये अच्छा लग रहा है देख करके एमएस धोनी को भी मैनेजमेंट का हिस्सा बनाया गया, उनको जगह दी गई है, और इसी वजह से आने वाले समय में जिस प्रकार के कॉम्बिनेशन के साथ भारत मैदान में उतरेगा, जिस तरह की स्ट्रेटजी भारत अपनाएगा मैच के दरमियान, टूर्नामेंट के दरमियान, उनमें कुछ ना कुछ झलक जरूर एमएस धोनी की हमें नजर आएगी। तो चलिए रितेंद्र सोढ़ी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनको भी चर्चा में शामिल करते हैं। रितेंद्र, इंग्लैंड के खिलाफ जब T20 सीरीज में विराट ने ओपन किया तो उनका यह कहना था कि वो वर्ल्ड कप में भी ओपन करेंगे, अब ये महेंद्र सिंह धोनी के आने का साइड इफेक्ट है या जिस तरह से टीम में अचानक ओपनिंग बल्लेबाज बहुत बढ़ गए, इसका असर है कि प्रैक्टिस मैच से ठीक पहले एक बड़ा स्टेटमेंट विराट कोहली ने दे दिया पहले प्रैक्टिस सेशन के बाद कि वो नंबर 3 पर ही बल्लेबाजी करेंगे पूरे टूर्नामेंट के दौरान? जी हाँ राजीव, बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं एज अ ओपनर तो विराट कोहली हमेशा से मेकशिफ्ट ओपनर थे। अगर उन्होंने रन्स बनाए हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, जो भी रिकॉर्ड्स बनाए हैं, ज्यादा से ज्यादा जो बनाए हैं नंबर 3 पे खेल के बनाए हैं, तो नंबर 3 उनकी आइडियल पोजीशन है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और जैसे अगर हम टीम का जो बैलेंस देखते हैं तो नंबर 3 पे अगर विराट कोहली आते हैं वो बैटिंग को संभाल सकते हैं। विराट कोहली एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो 18-19 ओवर तक बल्लेबाजी में टीम को आगे लेके जा सकते हैं, शीट एंकर खेल सकते हैं, ऑन बॉल चौका छक्का मार सकते हैं, और उनके जो अलोंग जो बाकी बल्लेबाज हैं वो ताबड़तोड़ हिटिंग कर सकते हैं, तो कुछ ऐसी प्लानिंग रह सकती है। और महेंद्र सिंह धोनी का वहां पे होना, अगर हम स्ट्रेटजी किंग की बात करें दुनिया के, तो महेंद्र सिंह धोनी है, तो उनकी जो इनपुट्स हैं वो बहुत कारगर रहेंगी। और जैसे अभी हम सब बात करें, उनको मैनेजमेंट का हिस्सा बनाया गया है, कौन सी 11 खेलेगी नहीं खेलेगी, कौन से बॉलर्स खेलेंगे, तो महेंद्र सिंह धोनी की इनपुट्स वहां रहेंगी, जो आई थिंक इट्स बिल्कुल। और पहले प्रैक्टिस सेशन से एक बात और क्लियर हुई थी और वो थी कि पारी की शुरुआत कौन करेगा सभा भाई, और वो तस्वीरें भी आ गई, और उन तस्वीरों में एक चीज जो साफ हुई है कि अब के राहुल और रोहित शर्मा ही ओपन करेंगे शुरुआती मैचेस में, कम से कम कोई इंजर्ड नहीं होता, ये भी एक बड़ी खबर है। और आपने सबसे पहले कहा था ये दोनों ओपन करने चाहिए, यानी आपकी खबर पे मोहर लगी। हाँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपके मिडिल ऑर्डर में आपके पास अनुभवी बल्लेबाज होना चाहिए, विराट कोहली से सबसे ज़्यादा अनुभव और किसी में भी नहीं है, और हमने देखा है कि आईपीएल में जिन भारतीय खिलाड़ियों का चयन हुआ है उनमें से चाहे ईशान किशन हो या फिर सूर्य कुमार यादव हो, वो जो स्थिरता होनी चाहिए, जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो देखने को मिली नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब अगर विराट कोहली नंबर 3 पर आ रहे हैं तो रोहित शर्मा और केएल राहुल ओपन करेंगे, और फिर आपके पास सूर्य कुमार यादव है, ऋषभ पंत है, हार्दिक पांडे, अगर वो खेलते हैं तब आपकी बल्लेबाजी में और ज़्यादा मजबूती आ जाएगी। और एक और बात है राजीव, कि अगर आप एमएस धोनी की स्ट्रैटेजी को देखेंगे तो उनका प्रयास यही रहता है कि हमेशा उनकी बल्लेबाजी जो है, टीम की जो बल्लेबाजी, उसमें गहराई हो, इसी वजह से मुझे लगता है कि अब जो हम लोग कॉम्बिनेशन देखेंगे उसमें ज़्यादा बल्लेबाज खेलेंगे, ऑलराउंडर्स खेलेंगे, ताकि आपकी बल्लेबाजी की जो गहराई है वो बढ़ती जाए। हो सकता है कि शार्दुल ठाकुर को मौका मिले, क्योंकि उनके आने की वजह से आपकी बल्लेबाजी और भी मजबूत हो जाती है। आप भी इत्तेफाक रखते हैं रितेंद्र इस बात से कि ऑलराउंडर्स की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि अब महेंद्र सिंह धोनी की स्ट्रेटजी चलेगी, और चेन्नई सुपर किंग के उस सुपर फॉर्मूले को अगर हम बहुत ध्यान से एनालिसिस करें तो एक बात तो निकल के आती है कि अगर चेन्नई 3 बार चैंपियन बनी है, 10 बार वो फाइनल खेले कम से कम, तो बड़ी वजह यह थी कि ढेर सारे ऑलराउंडर्स रहे हैं चेन्नई सुपर किंग की टीम में। क्या चेन्नई का फॉर्मूला महेंद्र सिंह धोनी लेके आएंगे भारतीय टीम में?
जी हाँ बिल्कुल राजीव लेके आएंगे, और यहाँ पे हमें यह भी मानना होगा कि विराट कोहली महेंद्र सिंह धोनी की बात सुनते हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ईगो क्लैश होता है, कप्तान कहीं और चलता है और अगर मेंटोर की बात करें वो कहीं और चलता है, लेकिन यहाँ पे दे आर ऑन द सेम पेज, जो बहुत अच्छी बात है भारतीय टीम के लिए। और अगर धोनी फॉर्मूला की बात करें वो सर चढ़ के बोलता है, अभी आईपीएल जैसे ये टीम जीती है तो धोनी ने जिस तरह स्ट्रैटेजीज बनाई है वो कारगर रही है, लेकिन यहाँ पे बहुत चीजें एड्रेस करनी जरूरी है। जो हमने पैकेज में अभी देखा, राहुल चहर ज्यादा फॉर्म में नहीं लग रहे, अश्विन ज्यादा फॉर्म में नहीं लग रहे, हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये अब कुछ दिन बहुत बातचीत होगी। धोनी, रवि शास्त्री, विराट कोहली तमाम मीटिंग्स करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है बेस्ट 11 तैयार होगी पहले मैच के लिए। सभा भाई, एक चीज जो और प्रैक्टिस सेशन में नजर आई, वो तस्वीरें भी हम लगातार यहाँ पर चला रहे कि जो सबसे बड़ा जो टाइम स्पेंड महेंद्र सिंह धोनी ने किया वो ऋषभ पंत और साथ में ईशान किशन के साथ किया। अब इसके पीछे और हार्दिक पांड्या तीसरे ऐसे खिलाड़ी है जिन पे बहुत ज्यादा काम किया गया पहले प्रैक्टिस सेशन में, क्या क्या इसके मायने निकाले जाएं, क्योंकि अब बल्लेबाजी तो गेंदबाजी कर नहीं रहे हैं हार्दिक, कैसे प्रिपेयर कर रहे होंगे उनको महेंद्र सिंह धोनी? ये तीनों आपके सबसे बड़े पावर हिटर्स हैं और इसी वजह से यहाँ पर एमएस का कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है, और शायद वो एक्शन भी यही दिखा रहा है जिस तरह उसी प्रकार का, इसीलिए मुझे लगता है कि इन्होंने समय बिताया है इन तीनों पावर हिटर्स के सामने। इन तीनों को इन्होंने देखा है आईपीएल में, इन तीनों का प्रदर्शन कुछ खास रहा नहीं था, इसलिए बहुत जरूरी है यहाँ पर एमएस धोनी के इनपुट आए, कब आपको अटैक करना है, कब आपको कंट्रोल एग्रेशन के साथ बल्लेबाजी करनी है, कब आपको जोखिम उठाने की जरूरत है, कौन से स्लॉट में आपको बैटिंग करनी है, किस तरह के एक्सपेक्टेशन है आपकी तरफ से, उसके लिए आपको क्या तैयारी करनी है। तो बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं अप्रोच में कम से कम। जो आपके पास एबिलिटी है वो तो रहेगी, पर उस एबिलिटी को सही मायने में कब इस्तेमाल करना, मुझे लगता है ये एमएस धोनी जैसा एक खिलाड़ी या फिर एक मेंटर जो है वो जरूर प्रदान कर सकता है इन सभी युवा प्लेयर्स को। कुछ कहना चाह रहे थे रितेंद्र आप? राजीव, यहाँ पे सिर्फ मैं ये बात करना चाहूंगा, अक्षर पटेल जो सर्टेंटी थे अब वो टीम में नहीं है, शार्दुल ठाकुर को लिया गया है, और अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं करेंगे, अभी उनका पता नहीं है फॉर्म का क्या है, तो शार्दुल ठाकुर से चांस लिया जा रहा है। अक्षर पटेल इन फॉर्म थे, वो बाहर हो गए, तो यहाँ पे मैं साबा से पूछना चाहूंगा, साबा अगर आप सिलेक्टर हैं, आपने टीम बनानी है, पहली 11 बनानी है, अभी आप बात कर रहे थे हार्दिक पांड्या पावर हिटर हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, लेकिन वो बॉलिंग नहीं करेंगे, लेकिन आपके पास एक प्रूवन मैच विनर, जेन्युइन ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर में वहां मौजूद है, आप किसके साथ जाएंगे अगर हम पहले मैच की बात करते हैं? सोडी, मैं अभी भी हार्दिक पांड्या के साथ जाना चाहूँगा। मुझे लगता है कि अगर हार्दिक पांड्या नंबर 6 पर खेल रहे हैं तो नंबर 7 पर आपके जडेजा आ सकते हैं, और उसके साथ साथ आप 4 बॉलर के साथ मैदान में उतर सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि अगर ज़रूरत पड़े तो शार्दुल ठाकुर भी खेल सकते हैं, वो एक थर्ड सीमर के रूप में खेलेंगे, और फिर आपके पास 2 स्पिनर्स रहेंगे, रविंद्र जडेजा और वरुण चक्रवर्ती। तो मुझे लगता है इस प्रकार के कॉम्बिनेशन के बारे में भी भारत ज़रूर सोच रहा होगा, और चूंकि यहाँ पर एमएस धोनी आ गए एक मेंटर के रूप में, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि हो सकता है कि बल्लेबाजी की गहराई को और बढ़ाने के लिए चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि शार्दुल ठाकुर को भी मौका मिले। हार्दिक पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी इन दिनों बन गए हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं, वो चाहे अपनी गेंदबाजी ना करने की वजह से हो या बल्लेबाजी करने की वजह से हो, और बल्लेबाजी में अगर रन ना बनने हो तो फिर हार्दिक पांड्या चर्चा में आ जाते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं हार्दिक पांड्या ने महेंद्र सिंह धोनी के बारे में क्या कुछ कहा और किस तरह से अपनी बल्लेबाजी को एनालाइज कर रहे हैं, आइए वो सुन लेते हैं। He knew that I needed support. I just needed a shoulder, and which he provided more than multiple times in my cricketing career, and that's the reason. I never saw him as MS Dhoni the greatest. For me, MS Mai is someone who's my brother, who's close to me, and stature does not matter for me. But I respect the fact and I admire the fact that he was there when. माही भाई के बारे में बात हो रही थी यहाँ पे, और माही भाई ने क्या कुछ अचीव किया है वो हार्दिक पांड्या के बाद से आप अंदाजा लगा सकते हैं। विराट कोहली का भी इंटरव्यू कुछ दिन पहले हमने आपको सुनाया था, और वहां पर भी विराट यही बात कहते नजर आए कि जब वो पहले दिन भारतीय टीम में आए तभी से माही यानी महेंद्र सिंह धोनी टीम को मेंटोर कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात सभा भाई हार्दिक पांड्या ने कही है महेंद्र सिंह धोनी के लिए, मुश्किल वक्त में वो जानते हैं कैसे निकालना है एक खिलाड़ी को।
सबसे बड़ी बात यह है कि एम एस धोनी ने ये जो रिस्पेक्ट है जो हम हार्दिक पांड्या से सुन रहे हैं या फिर विराट कोहली से सुन रहे हैं, ये उन्होंने अर्न किया है, और वो इस वजह से भी है कि जिस तरह से उन्होंने यंग प्लेयर्स को ट्रीट किया है, जिस तरह से उन्होंने यंग प्लेयर्स को ग्रूम किया है, और इसी का फ़ायदा इन सभी खिलाड़ियों को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात एम एस डी की ये है कि ये जब सभी खिलाड़ी की एंट्री हुई थी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, उस समय एम एस धोनी कप्तान थे और उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जिस तरह से उन्होंने सभी युवा प्लेयर्स को ट्रीट किया, चाहे वो केएल राहुल हो, हार्दिक पांड्या हो या विराट कोहली हो या कोई और खिलाड़ी क्यों ना हो, तो मुझे लगता है इसी वजह से इतना ज़्यादा मान और सम्मान एम एस धोनी को मिल रहा है इन खिलाड़ियों के तरफ से। इंग्लैंड के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में रितेंद्र अगर गेंदबाजी नहीं करते हैं हार्दिक, तब क्या संभावनाएं बढ़ जाएंगी एज अ बैट्समैन, तब भी उनको खिलाया जाएगा? हालांकि सभा भाई तो कह रहे हैं वो टीम में रखेंगे, और जो प्रैक्टिस सेशन पहला हुआ जहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने अपना इम्पैक्ट छोड़ा प्रैक्टिस सेशन में, वहां पर भी हार्दिक ने गेंदबाजी नहीं की। जी हाँ राजीव, यहाँ पे प्रॉब्लम्स तो हैं। अगर हम बात करें हार्दिक पांड्या की, जब सिलेक्शन हुई थी तो एज अ ऑलराउंडर हुई थी, और अगर हम उनकी बैटिंग की बात कर रहे हैं, बैटिंग में भी उन्होंने कुछ खास अभी ऑफ लेट किया नहीं है कि ये सेट द स्टेज ऑन फायर ऑन बिल छक्के मार रहे हैं, ऐसा भी नहीं दिखा है अगर हम आईपीएल के मैचेस की बात करते हैं। तो अब कैसे 11 बनती है, ये थोड़ी तो अब सिरदर्दी है सिलेक्टर्स के लिए। और अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, शार्दुल ठाकुर आपके पास वहां विकल्प मौजूद है, और जैसे अभी वो कह रहे हैं ना कि उनको कंधा मिला धोनी का, तो अब पूरा देश चाहता है कि अब देश को कंधा मिले बोलिंग के लिए हार्दिक पांड्या का। तो देखना होगा, बहुत इंटरेस्टिंग कि हार्दिक पांड्या बोलिंग करेंगे या नहीं। बिल्कुल, और सभा भाई एक सवाल और ध्यान में आता है, जो हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को भी, कि रवि शास्त्री को ऐसा लग रहा है महेंद्र सिंह धोनी डिक्टेट कर रहे थे अपनी टर्म्स, जो पहले प्रैक्टिस सेशन की तस्वीरें अगर आप देखें बहुत ध्यान से, ये तस्वीरें बता रही हैं कि बाकी के जो टीम का सपोर्ट है सब, यहाँ कोई ऐसा नहीं कि मतभेद है, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि उनकी रिस्पेक्ट कितनी है, वो चाहे रवि शास्त्री हों, भारत अरुण हो यहाँ पर, या विक्रम राठौर हो या श्रीधर की हम बात करें, और ऐसा होना भी चाहिए राजीव। यहाँ पर कोई वन अपमैनशिप नहीं है कि कोई रवि शास्त्री बड़े हैं या फिर एम एस धोनी बड़े हैं, यहाँ पर सब लोगों को मिलजुल कर ही काम करना है, चैंपियन बनाना है। और ये टीम मैनेजमेंट ऐसी है जो खेल नहीं रही है इस समय, अंदर में खेलना वो अलग बात है, पर अगर आप सही प्रकार के प्लान्स बनाएंगे, सही प्रकार की स्ट्रैटेजी बनाएंगे, तभी वो खिलाड़ी अंदर जाके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। प्लान बनाना, स्ट्रैटेजी बनाना बड़ा आसान है, पर जिन खिलाड़ियों को आप चुन रहे हैं उनको एग्जीक्यूट करना, उनको इंप्लीमेंट करना अंदर जाके इन प्लान्स को, वो बहुत बड़ा काम है। और ये रोल इन सभी जो टीम मैनेजमेंट के जो सपोर्ट स्टाफ हैं उनको अदा करना होगा। बिल्कुल, और हम सब भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो दो प्रैक्टिस मैचेस हैं उन प्रैक्टिस मैचों में भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करे, एक सही कॉम्बिनेशन जो तलाश रही है इस समय टीम मैनेजमेंट, उस तलाश को पूरी करते नजर आए, और उसके बाद जब भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला वर्ल्ड कप का मैच खेले तो पूरी ताकत और पूरी शिद्दत के साथ वो मैदान पर उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका, और रितेंद्र आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।